आज हमारे इंकस मंडल भारतीय जनता पार्टी के और कोटरी धारा मंडल की मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में सभी कार्यकर्ता आसपास के खूब सारे दो चार आदमी आए थे और उन्होंने ये तय किया है कि हम पूरी खंडेला विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में जो जोड़ा गया है जो उसके अंदर नहीं चाहता, हम ये चाहते हैं कि हम पूरा छत्तीसगढ़ हमारा विधानसभा क्षेत्र सीकर जिले के अंदर ही रहे, ये हम चाह रहे हैं और सभी कार्यकर्ता चाह रहे हैं उसके। और ये भी सामने आ रहा है कि महादेव जी जो ट्वीट कर रहे हैं कि हम ये नहीं बनेगा और सुभाष जी मिल जो प्रत्याशी है तो आज उन दोनों की सरकार है, सुभाष जी मिल तो कांग्रेस के प्रत्याशी है जी एमएलए के बराबर होता है प्रत्याशी होता और आ जाए तो क्या हुआ, और महादेव जी जब जीत के और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो ये दोनों की कमजोरी है कि वो यहाँ जिला बन के बना दे उसके हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा खंडेला विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में जुड़ता है तो दोनों सर कई जगह से सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि कुछ क्षेत्र जाएगा कुछ नहीं जाएगा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं होता है, विधानसभा पूरी जाएगी या पूरी रहेगी, एक विधानसभा दो जिलों में नहीं पड़ती, लोकसभा बढ़ जाती है। इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें यथावत सीकर जिले में रखा जाए और हम तो ये भी खुद के पंच पे कह रहे हैं ये जी सीकर ये खंडेला विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में जुटता है तो दोनों की ही बराबर की हिस्सेदारी है। जो कांग्रेस का प्रत्याशी सुभाष जी मीन वो भी इसमें कमज़ोर साबित हो रहे हैं और जो महादेव सिंह जो कांग्रेस समर्थन दे रहे हैं किसान आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी उनकी भी कमजोरी महसूस हो रही है कि उनके रहते हुए दोनों के रहते हुए यदि हमारा खंडेला विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना जिले में जाता है तो दोनों की कमजोरी है। हम जब तक विधानसभा चलेगी तब तक यहाँ 24 आवर धरने पर बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन रहेगा धरना जब तक विधानसभा, जब तक अनिश्चितकालीन है या बीच में हमारा यथावत रखने की कोई घोषणा हो जाती है तो हम उठ जाएंगे, हमारे लड्डू खिलाएंगे आपको सबको, हमारा धरना सफल हुआ। थैंक यू सर।